हाँ दीजिए मुखिया जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कपड़ा मुखिया जी का और सभी तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्ति जो कि इस खेल को और विधिवत रूप से आगे बढ़ाए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि 15वीं जो बिहार स्टेट यूथ एंड सीनियर जो हमारी बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन है तो ये यहाँ आयोजित हुई है और लगभग बिहार के 19 जिलों से बच्चे यहाँ पे अपनी काबिलियत अपना प्रदर्शन यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं। और मैं तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो ऐसे ही आगे बढ़ें अपने खेल में रुचि रखें क्योंकि बिहार और देश तो पूर्ण रूप से एक क्रिकेट के तरफ झुकाव रखता है लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक नया कोई चीज़ मिलता है, नई दिशा में हम लोग जाते हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस। सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे तो हमारे यहाँ पे यहीं मौजूद है, बस उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, उनको सहयोग की ज़रूरत है। और ऐसे हमारे सहयोगी लोग, हमारे मुखिया जी लोग, यहाँ के जितनी कमेटी है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोग बच्चे लोग को प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहित होने का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि एक चैंपियन को उन्होंने ध्वस्त किया। सफल अभ्यर्थियों जी, बिल्कुल सफल अभ्यर्थियों को मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसी अपनी रुचि, जिसमें आपने रुचि रखी है, आप उसमें रुचि रखिए। और मैं आप लोग को आपके भविष्य के लिए तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि आप इस रुचि में और आगे जाएं। आपकी जो प्रतियोगिता है दिन दुगनी रात चौगनी करके आप राज्य स्तरीय अंतर स्तरीय और कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते। आपके नेता ऑलरेडी खिलाड़ी हैं, इस तरह का क्या लगता है मुसहरी में आयोजन होना चाहिए हमेशा? बिल्कुल हो भी रहा है, बोछा में आपका क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जहां पे बोछा और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के सभी हमारे जो खेल प्रेमी हैं वो लोग के साथ हम लोग क्रिकेट का आयोजन करेंगे। और जिला स्तरीय मैं उसमें बताने जाना चाहता हूँ कि हम अपने बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के नाम पे वो मेमोरियल टूर्नामेंट करवाएंगे और सभी हमारे मुजफ्फरपुर जिलावासी हों या अन्य जो लोग जुड़े रहे हैं क्रिकेट के माध्यम से हमसे, तो मैं उन लोगों को सादर आमंत्रित करूंगा और इसका जल्द से जल्द एक प्रारूप बना के आप लोग के बीच में इसकी। बिहार का महान पर्व छठ आ रहा है, इसमें यहाँ जो खिलाड़ी आए हैं बॉक्सर हैं उनको क्या उपदेश देना चाहते हैं? बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि छठी मैया जो है हमारी सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे, हमारे बोछा विधानसभा की महान जनता, हमारे मुजफ्फरपुर जिलावासी, हमारे बिहारवासी, हमारे देशवासी, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से हम लोग एक समझिए कि निचले स्तर से भी हम लोग उठ के कुछ लोगों को देने का काम करते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जान के रखिए कि सूर्य ही एक ऐसा उज्जवल प्रतीक है जो कि हम लोग जान रहे हैं कि वो एक सत्य है, उसी से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, अनाज को फायदा हो, पानी हो, कई जीवन का स्रोत है सूर्य और हम लोग उसको नमस्कार करते हैं। चाहे वो सूर्य उदय हो उसको तो नमस्कार हर कोई करता है लेकिन हम लोग सूर्य अस्त को भी नमस्कार करते हैं। और तमाम छठी व्रतियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का सुख समृद्धि आप लोग के परिवार की बढ़े, सभी बिहारवासी तमाम हमारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि खड़ा मंदिर पर आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे लोग बहुत सहयोग करते हैं, यहाँ पर सफलता की गारंटी रहती है, यहाँ पर करने से हमको सफलता मिलता ही मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं। कहाँ कहाँ के युद्ध खिलाड़ी भाग लिए हैं? 19 जिला से लोग आए हैं, इसमें बक्सर, मुंगेर, सारण, छपरी, क्या बोलते हैं, गया, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, पटना, ये सभी जगह का सर। ओवरऑल कितने खिलाड़ी हैं? ओवरऑल 150 खिलाड़ी हैं। 50 खिलाड़ी हैं जी, उसमें
मेंस वुमेंस दोनों है। एक दिवसीय जो आयोजन हुआ, एक दिवसीय है या फिर तीन दिवसीय? तीन दिवसीय 14-15 16। सर एक बात सुनने को आ रही है कि आपने प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया था? हाँ, नहीं आए, वो आना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रणवीर कुमार अमर है, हम जिला बॉक्सिंग सेक्रेटरी हूँ।